अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जून माह में आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कृपया संपर्क करें। 5 व 6 जून चंडीगढ़, 7 व 8 जून दिल्ली, 9 व 10 जून मुंबई, 16 व 17 जून अहमदाबाद, 18 व 19 जून कोलकाता। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 9529020222। मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। एक और रोचक और जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम के साथ मैं आचार्य चंद्रकांत आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आए दिन कई जातक एक ऐसी समस्या लेकर के आते हैं जिसका कोई निदान नहीं है। कोई निदान नहीं है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो घटना अब लीगल तौर पर घट चुकी है। आपने जो शीर्षक पढ़ा है वो एकदम सही है। कब व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक तरफा तलाक का योग होता है? एक तरफा तलाक, इससे मेरा मतलब यह है कि अगर कोई स्त्री है वो नहीं चाहती है कि उसका तलाक हो, वो कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेती है अपनी तरफ से, ना वो कोर्ट में जाती है ना कुछ करती है। हाँ, ये जरूर है कि वो न्यूट्रल हो गई है इस मुद्दे पर और उसका समीकरण ऐसे बनते हैं आसपास के कि उसका तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। ये स्थिति पुरुष पर भी लागू होती है। इस पर बात करेंगे, इसका क्या उपाय है अगर ऐसे संकेत आपको अपने जीवन साथी से या परिवार से, समाज से, ससुराल से, मायके से, बातचीत से यदि ऐसे लग रहे हैं तो आप समय रहते उपाय कर सकते हैं। और समय रहते किया गया उपाय आपको 100% नहीं, 1000% रिजल्ट देगा सकारात्मक। ये एपिसोड मैंने क्यों बनाया, 3 छोटी सी घटनाएं मैं आपको बतलाऊंगा। उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि अब हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी एक जातक के कमेंट का जवाब देते हैं। हो सकता है कि आज आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तो आप इसको अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही इसलिए भी जरूरी है कि एक कर्ज मुक्ति का बेहद आसान और बेहद चमत्कारिक उपाय मैं अंत में बतलाऊंगा। आते हैं हम हमारे आज के मुद्दे पर। साथियों, 3 छोटी छोटी सी घटनाएं बहुत जल्दी मैं आपको बता देता हूं। एक घटना जो कि महाराष्ट्र के किसी स्थान की है और बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित परिवार की एक उनकी कन्या, उनकी पुत्री, उसका विवाह हुआ और विवाह के कुछ समय बाद ही, बहुत जल्दी, कहने का अर्थ है कि कुछ 20-25 दिनों के बाद ही बहुत छोटा सा कोई झगड़ा उस कन्या के ससुराल में हुआ और उसने जोश में आकर के बिना बताए वो अपने मायके वापस आ जाती। ये घटना जो है, नेचुरल सी बात है कि ससुराल वालों को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो लोग तलाक का एक मुकदमा कर देते हैं। बीच में कई छोटी मोटी घटनाएं घटती है परंतु मुख्य कारण यही था, कोई मेजर इश्यू नहीं था, कोई पति पत्नी में आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं था। और चूंकि उस कन्या के जो पिता है वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको इस प्रकार का जब उनके संधि की तरफ से ऐसा इनिशिएटिव मिला तो उन्होंने बेटी को कहा कि बेटी अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है हम करेंगे। और उन्होंने तलाक का मुकदमा लड़ा और आज की तारीख में उनका तलाक हो चुका है। पर जो वो कन्या है, जब वो मुझसे मिली तो वो दुखी थी, वो कह रही थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। अब ये जो मामला है ये पूर्ण रूप से एक तरफा तलाक का है। दूसरा एक जो किस्सा है वो राजस्थान के किसी हिस्से का है। वहां पर भी एक लड़के का विवाह होता है, सब चीजें ठीक चलती है, 3-4 महीने हो जाते हैं शादी को और फिर दहेज की किसी बात पर अनबन होती है दोनों परिवारों में
और पंचायत के स्तर पर ही उसको निपटा दिया जाता है। जब वो लड़का मुझसे मिला तो उसने भी मुझे कहा कि ये इस प्रकार का मुझे मौका ही नहीं मिला अपनी बात कहने का कि मैं क्या चाहता हूं, और इस प्रकार से उनका भी संबंध विच्छेद हो गया। तीसरा, एक सरकारी नौकरी करने वाली शिक्षिका का मैं यहां पर उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। उनका विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय बाद तक सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी, और उनके खुद के घर वालों ने उन्हें यह उकसाया कि या तो लड़के को आप अपने जिस शहर में वो रहते हैं वहां पर बुला लीजिए। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उस वक्त ये सारी चीजें क्यों करने लग गई, पता नहीं मेरे दिमाग से मेरा कंट्रोल क्यों समाप्त हो गया था। अब लड़का जो है वो अपना घर छोड़ करके घर जवाई बनने को तैयार नहीं हुआ, इसी मुद्दे को लेकर इनिशिएटिव हुआ। पर जब वो शिक्षिका मुझसे मिली थी तब वो एक प्रकार से हताश थी, परेशान थी, अंदर से पीड़ित थी कहीं ना कहीं। उन्होंने भी ये कहा कि मेरा एक तरफा तलाक हुआ, उन तीन कुंडलियों के अतिरिक्त बहुत सारी अन्य कुंडलियों पर जब विवेचन किया गया और उससे एक निचोड़ निकाला गया कि कब व्यक्ति की जन्म पत्रिका में एक तरफा तलाक का योग बनता है। इसको समझते हैं मित्रों, यह है हमारी कुंडली का सप्तम भाव। इस भाव का जो अधिपति है, जो स्वामी है, वो यदि द्वादश भाव में चला जाए और शुक्र सप्तम स्थान पर अकेला बैठा हो, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में आप ये बात सुनिएगा, इसके साथ में और दूसरा कोई समीकरण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हम जनरलाइज ज्योतिष पर कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से ऐसे मेरे जातक, ऐसे मेरे कार्यक्रम देखने वाले मेरे प्रिय दर्शक, क्योंकि थोड़ी सी कम जानकारी रखते हैं तो मेरा फर्ज बनता है उनको थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ करना। मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में यहां पर 5 नंबर ये अंक लिखा है, साथ में यहां पर शुक्र है और कोई यहां पर ग्रह नहीं है, और सूर्य आपके द्वादश भाव में बैठा है और भी कोई ग्रह यहां पर नहीं है, साथ ही इस स्थान पर राहु, केतु या शनि, सूत्र के साथ में राहु या केतु या शनि या इनमें से कोई दो अगर इस प्रकार का यहां पर योग बन रहा है तो साथियों ये एक तरफा तलाक का संपूर्ण एक प्रकार से आप देख लीजिए कि कार्यक्रम तय हो रहा है। दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा मैं कर लेता हूं कि यदि यहां पर आपके 4 नंबर लिखा है और कोई ग्रह नहीं है, शुक्र यहां पर साथ में बैठा है अकेला और कोई यहां पर नहीं है, चंद्रमा आपके द्वादश भाव में चला गया है, राहु, केतु या शनि इनमें से कोई एक या दो यहां पर बैठे हैं, मतलब चंद्रमा की युति या तो राहु के या केतु के या शनि के साथ में है, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है उस पर भी मैं अभी प्रकाश डालूंगा और उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, शुक्र यहां पर है और मंगल यहां विराजमान होकर के राहु केतु या शनि के साथ में युति कर रहा हो, छह या तीन का अंक यदि सप्तम भाव में लिखा है और शुक्र यहां पर बैठा है और बुध द्वादश में जाकर के राहु केतु या शनि के साथ में युति कर रहा है, नौ या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक यदि यहां पर लिखा है, शुक्र साथ में यहां पर बैठा है, कोई ग्रह यहां पर नहीं है और गुरु राहु केतु या शनि में के साथ में यहां पर युति करता हो, दस या 11
इन दोनों में से कोई एक अंक यहां पर लिखा है, शुक्र यहां पर साथ में अकेला बैठा हुआ है और शनि यहां पर राहु या केतु में से किसी एक के साथ में युति कर रहा है। यदि मित्रों आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा रिपीट करके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। यहां पर लॉजिक क्या है कि सप्तम भाव का स्वामी द्वादश चला गया है, द्वादश चला गया है एक प्रकार से ये कुंडली से खत्म हो गया है, जो स्त्री का सुख है या स्त्री के लिए पुरुष का सुख है वो समाप्त हो गया है और ये एक प्रकार से कुंडली का एक अलग खंड माना गया है। कहने का अर्थ है कि जब कोई भी निर्णय आपके बारे में लिया जाएगा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, तब आपको उसमें शामिल नहीं किया गया, एक तरफा चीजें हो गई सारी। ऐसा क्यों होता है साथियों? अब इसके साथ में मैं कुछ और चर्चाएं आपके साथ में करना चाहूंगा कि यदि ऐसी स्थितियां बनती है तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, कभी भी। कहने का अर्थ यह है कि बहुत लंबे समय तक, 40 वर्ष तक की आयु तक मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से संघर्ष भी करना पड़ता है, कर्ज इनके ऊपर जबरदस्त हो जाता है, किसी न किसी प्रकार का कर्ज हमेशा बना रहता है, कलह का ये शिकार रहते हैं, चाहे अपने घर वालों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, जहां पर कार्यस्थल है वहां किसी न किसी प्रकार की इनके कलह चलती रहती है। कई बार सजा इनको ऐसे कार्य की मिल जाती है कि जो इन्होंने अपराध किया ही नहीं हो, कसूर कोई और करेगा और सजा इनको भुगतनी होगी। अपने स्वयं के घर में जाने के भी इनके कम योग होते हैं, स्वयं का अपना कमाया हुआ धन, उससे जो निर्मित मकान होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कई बार इनकी संगति जो है वो खराब, ये मजबूरी वश अपना कोई कार्य कराने के लिए या और किसी प्रकार की मजबूरी के कारण संगत की गलत संगत में ये फंस जाते हैं और उससे ये अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अपने लोग सबसे पहले इनको धोखा देने का कार्य करता है। इनका दिल इतना बड़ा होता है मित्रों कि कई बार तो ये कर्ज लेकर के या अपनी कोई जरूरत छुपा करके सामने वाले तक की मदद कर देते हैं। लोकप्रिय ये जबरदस्त होते हैं, ये अपने मोहल्ले में, अपने कार्यस्थान पर, इनको जहां पर ये खड़े हो जाएंगे चार लोग इनको आकर के घेर लेंगे, ऐसी इनकी लोकप्रियता होती है। चिंता और अज्ञात भय कि कल क्या होगा, इसको लेकर के हमेशा इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है। धार्मिक ये जबरदस्त होते हैं और किसी न किसी कला के ये प्रेमी होते हैं, पारखी होते हैं। शुक्र लग्न को देख रहा है, व्यक्तित्व इनका आकर्षक बनाएगा, सुंदर बनाएगा, चीजें जो इनको पसंद होगी सब नंबर वन की चीजें पसंद होगी, या तो ये चीज ब्रांडेड खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये चीजों के साथ में कभी समझौता नहीं करते। अब मित्रों हम आ जाते हैं कि उपाय पर, यदि ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप एक दिनचर्या में एक चीज शामिल कर लीजिए कि आप पति पत्नी जब नहा धोकर के तैयार हो जाए तब अष्टगंध, जो किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर, धार्मिक सामग्री जहां पर मिलती है वहां पर आपको एक डिबिया मिल जाएगी अष्टगंध, जिससे कि तिलक किया जाता है, पूजा में भी वो कार्य उसका उसका काम आता है। अष्टगंध का तिलक आप एक दूसरे को लगाएं, पति हैं आप तो पत्नी को आप लगाएं टी की एक बिंदु के तौर पर, और पत्नी है तो वो अपने पति को लगाएं, दोनों ही एक दूसरे को लगाएं अष्टगंध। इस प्रकार से यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को नियमित रूप से लगाते हैं तो ये जो योग है ये अपना कार्य बहुत 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 कमजोर पड़ जाता है करने में और लगभग लगभग ये नगण्य हो जाएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यदि ऐसी कोई समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही है तो ये उपाय आपको इससे उबार कर एक सुखी वैवाहिक जीवन देगा। शुभकामनाएं है मेरी। आते हैं हम हमारे आज के कमेंट के चरण पर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शीतल जी का, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हमें प्राप्त हुआ है। इन्होंने जानना चाहा है कि शादी होगी या नहीं, होगी तो कब तक होगी, और जो कर्ज मुक्ति, कर्ज है इनके ऊपर, लोन है, वो कब तक चुकेगा। शीतल जी, शादी के लिए थोड़ी डिले आपके हो चुका है, परंतु मई 2020
तक केवल आपको और इंतजार करना है। उससे पहले आपके बात पक्की हो जाएगी और उसके बाद में आपका विवाह भी हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। रही बात कर्ज की, जो भी आपके ऊपर कर्ज है, जिस प्रकार का भी कर्ज है, चाहे बैंक का कर्ज है या किसी व्यक्ति विशेष का कर्ज है, बैंक का कर्ज है तो जिस दिन आप ईएमआई जो किस्त है लोन की वो जमा कराने जाते हैं, उससे पहले आप किसी एक गरीब व्यक्ति को भोजन करवाइए। जो भी वो खाना चाहे उसको अपनी तरफ से आप खिलाइए। ये आप जैसे ही जैसे इसको आप करेंगे, यदि किसी व्यक्ति विशेष का कर्ज है तो जिस दिन आप उसको पैसा चुकाते हैं या उसकी किस्त चुकाते हैं, उससे पहले आप ये कार्य करें। जबरदस्त प्रभावी और भगवान हनुमान को प्रसन्न करने वाला ये कर्ज मुक्ति का उपाय है। आप सभी लोग अपना सकते हैं इसको। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य, एक छोटा सा प्रयास। यदि आपको हमारा ये प्रयास बेहतर लगता है, आपके जीवन को कहीं ना कहीं बेहतर बनाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर कीजिए। मुझे आशा है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। आप स्वस्थ और समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त ना हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।